Hey guys, Assalamualaikum, Namaskar, WhatsApp, welcome back to my channel. My name is Simran Khan, hope you're doing well. So guys, बहुत long time के बाद मेरा vlog आ रहा है. Actually थोड़ा मैं बहुत busy हो गई थी, so मैं shoot करके नहीं डाल पा रही थी, मेरा vlog नहीं आ रहा था. But अब मैं try करूँगी कि month में कम से कम 2-3 vlog तो ज़रूर आए. So मैं आप लोगों के लिए इस बार लेके आई हूँ ग्रीन स्मोकी आई मेकअप लुक. जी हाँ, ये जो मैंने मेकअप लुक लेके आई हूँ, ये मेरी खुद की वेडिंग एनिवर्सरी का ही मेकअप लुक है. मैं उस दिन तैयार हो रही थी तो मैंने सोचा कि कुछ मेकअप लुक आप लोगों के साथ शेयर करूँ. बहुत टाइम से मैंने व्लॉग भी नहीं डाला है, सो इसलिए मैंने उस दिन जो भी मेकअप किया था मैंने उसे शूट कर लिया था. सो ग्रीन स्मोकी आई लुक है, बहुत ही क्लासिक वाला है गाइस. आप अगर इसे ट्राई करेंगे ना, सीरियसली बता रही हूँ, बहुत ही अच्छे लगेंगे. सो इस लुक को आप जरूर ट्राई करिएगा. ये लुक आप अपने खुद की वेडिंग एनिवर्सरी में या आप कहीं पार्टी में, अभी वैसे भी वेडिंग सीजन चल रहा है, सो आप लोग सोचते हैं ना कि ड्रेस पहने हैं तो कौन सा आई लुक के लिए लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है. सो आप इसे बहुत ही ईजी, मतलब ना ये 5 मिनट्स में हो जाएगा. बिल्कुल भी आपको एकदम एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इतना टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है. बस आपकी जो ब्लेंडिंग होती है आई की ब्लेंडिंग, वो प्रॉपर होगी तो आपका आई लुक बहुत ही प्यारा लगेगा. एंड इस लुक को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि ये आपको मेकअप लुक कैसा लगा. सो गाइज, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, तो बिना देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गई, सबसे पहले मैं यहाँ पे टोनिंग करूँगी. ये गुड वाइब्स का रोज़ वाला टोनर है, बहुत ही बढ़िया वाला टोनर है गाइस. कभी भी मेकअप करने से पहले आप फेस पे टोनिंग ज़रूर करें. एंड अगर आप मेकअप नहीं भी करते हैं तो भी आपको टोनर यूज़ करना ही करना है, क्योंकि टोनिंग करने से हमारा पीएच लेवल मेंटेन रहता है फेस का. सो नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे, क्योंकि गाइस बहुत ठंडी है, सो फेस हमारा थोड़ा ड्राई हो जाता है, इसलिए कभी भी मेकअप करने से पहले आप मॉइस्चराइज़र करें. एंड अगर आप मेकअप नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको डेली सीटीएम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपकी स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट सॉफ्ट सी फील होती है. सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें. एंड शेयर भी करिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को, ताकि जल्द से जल्द मैं जो भी न्यू अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल जाए. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. सो नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्राइमर. प्राइमर भी लगाने से आपकी स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, एंड कोई भी मेकअप बेस आप कर रहे हैं ना तो स्मूथली ब्लेंड हो जाता है. सो आपको प्राइमर यूज़ करना ही करना है गाइस. एंड थर्ड में, अगर आप नहीं भी कर रहे हैं मॉइस्चराइज़र के बेस पे भी अगर मेकअप कर रहे हैं तो भी सही है, बट अगर आप प्राइमर लगाएंगे तो आपका मेकअप की जो लास्टिंग है वो काफ़ी देर तक टिकेगी. एंड प्राइमर को थोड़ा सा अमाउंट में लेके अपने ऑल ओवर फेस पे अच्छे से लगा के इसे स्प्रेड कर लेना है. एंड देन अगर आप कभी भी प्राइमर यूज़ कर रहे हैं ना, तो थोड़ी देर के बाद ही आपको फाउंडेशन अप्लाई करना है. कभी भी तुरंत आप मॉइस्चराइजर प्राइमर लगा के कभी भी फाउंडेशन अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि उससे आपको जो मेकअप है ना वो अच्छा नहीं दिखेगा और बहुत जल्दी ही मेकअप ब्लैक पड़ने लगता है. सो ये ट्रिक आप आजमाएंगे तो आपका मेकअप बहुत देर तक स्टे करेगा. सो नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे आई बेस कर रहे हैं. आपको कंसीलर अपने पूरे ऑल ओवर आईज पे अप्लाई कर लेना है. सो उसके बाद आपको वेट ब्यूटी ब्लेंडर से इसे हल्के हाथों से ब्लेंड करना है. बहुत ही स्पीड में आप ब्लेंड नहीं करेंगे गाइस, इसे हल्का हल्का इसे ब्लेंड करेंगे. नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे आई शेडो पिक कर रहे हैं. मैं सबसे लाइट ब्राउन शेड पिक कर रही हूँ, ताकि एक गाइडलाइन मेरी थोड़ी सी प्रॉपर दिखने लगे. कभी भी गाइडलाइन के लिए आप लाइट शेड ही पिक करिएगा गाइस. उससे क्या होता है ना, आपका जो आई लुक है वो बहुत ही उभर के बहुत प्यारा आता है. कभी भी हम गाइडलाइन तैयार करते हैं तो हमें एकदम भड़कीला सा कलर नहीं लेना चाहिए. सो लाइट शेड अब अगर आप पिक करते हैं तो बहुत ही प्यारा लुक आता है गाइस. उसको आपको अपने क्रीज एरिया के ऊपर लेके अच्छे से ब्लेंड करना है. आई शेडो की ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आपका कलर उभर के आएगा. सो ब्लेंडिंग प्रॉपर करें.
जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पूरी अच्छे से ब्लेंडिंग कर ली है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे जो मुझे कलर मेरी जो साड़ी का कलर है उसी शेड का शेडो अप्लाई करूँगी। ये जो मेरा शेडो पैलेट है गाइज ये SFR का है, बहुत ही प्यारा पैलेट है गाइज। इसमें सभी ना स्मोकी आई करने के लिए शेड्स दिए हुए हैं। आप इसे किसी भी मार्केट से परचेस कर सकते हैं या आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा। सो जो मेरी साड़ी का कलर ग्रीन था मैं उसे ही अपनी क्रीज एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ। आपको इसे अपने पूरे ऑल ओवर क्रीज एरिया पे अप्लाई कर लेना है और उसे अच्छे से ब्लेंड करना है गाइस ताकि पूरा अच्छे से दिखे। एंड शायद ये थोड़ा सा कैमरे की वजह से ब्लैक दिख रहा है बट ये जो कलर शेड है ये ग्रीन है जो मेरी साड़ी का कलर है। सी आप देख सकते हैं। एंड स्मोकी आईज ना गाइस बहुत ही ईजी होता है, बस आपको ना इसमें ब्लेंडिंग प्रॉपर करनी है। जितना ब्लेंड करेंगे उतना आपका जो आई लुक है वो उभर के आएगा। सो आप देख सकते हैं मेरी आई की ब्लेंडिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ पे कलर एसेंस का पिगमेंट यूज़ कर रही हूँ, ये गोल्डन पिगमेंट है। एक्चुअली मेरी साड़ी में गोल्डन भी दिया हुआ था सो मैंने उसके कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ही अपना शेडो तैयार किया है। सो आप इस तरीके से रेडी कर सकते हैं। अगर आपकी साड़ी का कलर सिल्वर या जो भी है उस हिसाब से आप पिगमेंट लगाएंगे तो बहुत ही प्यारा लुक आएगा गाइज। एंड कलर एसेंस के पिगमेंट की बात करूँ गाइज तो बहुत ही बढ़िया वाला पिगमेंट है। अगर आप कुछ अच्छा अपने आई लुक के लिए पिगमेंट लेने की सोच रहे हैं तो आप इसे ज़रूर परचेस कर सकते हैं। सी अब देखिए सेम मेरी साड़ी के अकॉर्डिंग ही मेरा शेडो कंप्लीट हुआ है। सो अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं आई मैजिक का आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ। ये जेल वाला लाइनर है गाइज, ये बहुत ही अच्छा वाला जेल लाइनर है गाइज, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। सो मेरा लाइनर कंप्लीट हो गया है। अब मैं अपने फेवरेट आइकॉनिक के लैशेस लगाऊंगी। ये बहुत ही अच्छा लैशेस है गाइस, एकदम नेचुरल लुक देता है। सो देखिए मैंने इसे अप्लाई कर लिया है। एंड नेक्स्ट मैं अब यहाँ पे कंसीलर अप्लाई करूँ। आप देख सकते हैं मुझे कुछ पिंपल्स के ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हैं। सो अपनी जो भी मेरी अनइवन स्किन टोन है उसको इवन करने के लिए मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी। सो आपको अपने ऑल ओवर फेस पे जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि नीड है इवन स्किन करने के लिए सो आप इसे वहाँ वहाँ अप्लाई करेंगे। एंड कभी भी आप अगर मेकअप कर रहे हैं ना गाइस सो आपके फेस पे जितनी बेस की नीड है आप उतना ही बेस लगाइएगा, वरना वो बहुत ही ज़्यादा ओवर लगता है। सो अपने फेस के अकॉर्डिंग ही आप उतना प्रोडक्ट लीजिए और उसे अच्छे से ब्लेंड करिए। मैं यहाँ से वेट ब्यूटी ब्लेंडर से इसे हल्के हल्का डैप करके ब्लेंड कर रही हूँ। आपको एकदम इसे रगड़ना नहीं है या फिर स्पैन ऐसे खींचने टाइप का नहीं करना है, हल्का हल्का ब्लेंड करना है। सो अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट फिटमी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ये भी मैंने अपने फेस के अकॉर्डिंग जितना नीड है उतना ही लिया हुआ है। सी आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिया है। सो आप भी अगर फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं तो एकदम सारा प्रोडक्ट कई लोग लगा लेते हैं ना तो फेस एकदम अलग से वाइट वाइट सा दिखता है। सो उतना प्रोडक्ट मत लीजिए, जितना नीड है उतना ही लीजिए। सो आपको इसे ऑल ओवर फेस पे डैब डैब करके वेट ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करिएगा। आपका ब्यूटी ब्लेंडर गीला जितना होगा उतनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी। और ब्लेंडिंग बहुत देर तक करिएगा गाइस ताकि आपका जो मेकअप है पूरा स्किन के टोन में हो जाए और बहुत ही देर तक मेकअप स्टे भी करता है अगर आपकी ब्लेंडिंग प्रॉपर होती है तो। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे फिटमी का ही लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसे अपने ऑल ओवर फेस के जो मेकअप है उसे सेट कर लिया लूज़ पाउडर से। अगर आपके पास लूज़ पाउडर नहीं है तो आप कॉम्पैक्ट से भी सेट कर सकते हैं।
एंड गाइस, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि जो भी मैं न्यू अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिले। सब्सक्राइब करना बहुत ही फ्री है गाइस, कोई भी 1 रुपये भी नहीं लगते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिए अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा। सो नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे अपने आईब्रो को डिफाइन कर लूँगी, आप भी अपने आईब्रो को डिफाइन कर लीजिएगा। एंड अगर आपके पास लाइनर वाला जो होता है ना वो वाला होगा तो आप उससे भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप ये पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। एंड अगर आपके पास आईब्रो डिफाइनर नहीं है तो आप अपने आई शेडो पैलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उसमें ब्राउन शेड होता है उससे अपने आईब्रो को डिफाइन कर सकते हैं। एंड लास्ट में आपको इस स्पूली की सहायता से इसे अच्छे से मर्ज कर लेना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो निकल जाए। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे काजल लगा रही हूँ, ये FC का काजल है। अगर आपको काजल लगाना पसंद नहीं है तो आप काजल को अवॉइड भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मैं अपने यहाँ पे लोअर लैश लाइन पे सेम ग्रीन कलर हल्का हल्का प्लेस कर रही हूँ ताकि जो मेरा आई लुक है वो और भी प्यारा दिखे। एंड गाइज, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा और नेक्स्ट मेकअप लुक आप कौन सा वाला देखना चाहते हैं। अगर आप वो भी मेरे से शेयर करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर वो वाला वीडियो लेके आऊँगी। सो प्लीज़ बताइएगा कि आपको कैसा लगा। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, मैं अपने ब्रो बोन एरिया पे हाईलाइट कर लूँगी ताकि जो मेरा आई का लुक है वो बहुत ही प्यारा दिखे। एंड नेक्स्ट थोड़ा सा इनर वी कॉर्नर पे भी मैंने हाइलाइटर लगाया है ताकि जो आई का लुक पूरा कंप्लीट स्मोकी लुक है वो बहुत ही प्यारा सा दिखे। सो आप इस लुक को ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे शुगर का ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, ये बिच सेट का ब्लशर है, बहुत ही न्यूड वाला है, मतलब आपको एकदम एक्स्ट्रा पिंकी पिंकी सा लुक नहीं देता है, सो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। सो ब्लशर पार्ट ख़त्म होने के बाद अब हम यहाँ पे हाइलाइटर का यूज़ कर रहे हैं, ये भी शुगर का ही है। सो आपको अपने ब्रिज ऑफ द नोज़ एंड चीक बोन्स जो जो पार्ट आपको हाईलाइट करना है आप इसे वहाँ वहाँ अप्लाई करेंगे ताकि आपका जो मेकअप का लुक है हाइलाइटर लगाने के बाद वो बहुत ही प्यारा दिखता है, फेस में थोड़ी सी शाइन आ जाती है, सो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ FC की लिपस्टिक, इसका शेड है मरून शेड गाइस, ये बहुत ही प्यारा मतलब लॉन्ग स्टे वाला लिपस्टिक है। अगर आप लिपस्टिक भी कुछ ढूंढ रहे हैं तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लुक आता है गाइस। एंड मेकअप के अगर मेकअप कर रहे हैं ना, अगर लिपस्टिक ना लगाएं तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है, सो आपकी लिपस्टिक उसे कम्प्लीट करती है। सो आप बताइएगा कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा। एंड आई जस्ट होप आपको ये मेकअप लुक बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो फाइनली लिपस्टिक भी हो गई, आप देख सकते हैं मेरा लुक। एंड लास्ट में अब मैं यहाँ पे पैनकेक लगा रही हूँ अपने नेक एरिया पे।
उसके बाद मैंने मेकअप फिक्सर से अपना मेकअप सेट कर लिया है ताकि मेरा मेकअप और भी देर तक टिका रहे। सो हेयर इज़ द फाइनल लुक। सो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा, एंड कोई भी कुछ होगा खामियां होंगी सो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसे फिर से ठीक करूँ। एंड मिलते हैं गाइस मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।